नमस्कार, आप सभी को हमारा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने इस चैनल पे GKC टर्मिनल तो लॉन्च कर दिया था मोबाइल का, और लॉन्च करने के बाद नेक्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन करके हमने एक बोर्ड को रिकवरी किए थे। तो उस वीडियो में मैं बताया था कि SC05 को कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ करके प्रॉमिस किया था मैंने। तो आज हम SC05 को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करके SC05 को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आज का वीडियो में देखेंगे। और हमने लैपटॉप या तो आपका PC में SC05 को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं करके मैंने वीडियो तो बनाया है, आप जाके हमारा YouTube चैनल पे देख सकते हैं, वो वीडियो भी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम ओनली मोबाइल यूज़ करके, अगर आपका पास PC या तो लैपटॉप नहीं है तो आपको SC05 कॉन्फ़िगर करने के लिए चाहते हैं तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें वीडियो स्किप मत कीजिए। ये वीडियो लंबी होता है क्योंकि मैं वीडियो में पूरा डिटेल्स बताता हूँ, इसके लिए हमारा वीडियो बहुत लंबी होता है, तो आप वीडियो स्किप बिना स्किप करके वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। SC05 मॉडल आता है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या करना है, तो क्या क्या करना होता है उसका थोड़ा सा आइडिया बताया था। तो ये जो मॉड्यूल है SC05 हमको मार्केट में डायरेक्ट मिल जाता है 250 रुपीज़ के आसपास में, तो कम भी हो सकता है। और इसमें ये जो मॉड्यूल ऑपरेट होता है 3.3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक ये काम करता है, सप्लाई सप्लाई वोल्टेज। और इसमें आप देख सकते हैं आईसी, मॉड्यूल का आईसी है, ये एंटीना है, ये जो बटन रखा है ये कॉन्फिगर करने के लिए हमको रखा है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आज का वीडियो में। मैं इसको कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो हमारा टर्मिनल पे तीन कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ टर्मिनल कम्युनिकेशन, वाईफाई कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन। तो हमने ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लास्ट वीडियो अपलोड किए थे, और ब्लूटूथ आज का वीडियो में ब्लूटूथ टर्मिनल मतलब ब्लूटूथ मॉड्यूल इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आज के वीडियो में दिखाता हूँ। तो हमको ब्लूटूथ मॉड्यूल क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, SC05 आप मार्केट से लेते हैं डायरेक्ट, तो उसको डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड के साथ, क्यों इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो क्यों मतलब इसको हमारा जो एंड्रॉयड टीवी का मदरबोर्ड है वो ऑपरेट होता है 11,52,00 बॉड रेट में, बॉड रेट 11,52,00 होना चाहिए। हमारा जो SC05 का डिफॉल्ट बड रेट दूसरा रहता है, इसके लिए हमको SC05 को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और हम SC05 का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और आपका नाम भी डाल सकते हैं, और इसमें पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये तीन इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है बड रेट चेंज करना। हमारा जो मदरबोर्ड है एंड्रॉयड का मदरबोर्ड, सारा मदरबोर्ड ऑपरेट होता है यूआरट पोर्ट के यूआरट कम्युनिकेशन को द्वारा, तो 11,52,00 में ये तो सेट करना जरूरी होता है, इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमको कॉन्फ़िगर करने में क्या क्या टूल्स चाहिए हमारा मोबाइल पे, तो आप देख सकते हैं। तो हमको सबसे पहले OTG केबल चाहिए। OTG हमको हमारा जो मॉड्यूल है उसको कनेक्ट करने के लिए एक व्यवस्था है, ये इसमें आप कनेक्ट करके हमारा जो मॉड्यूल है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और हमको चाहिए होता है USB2 TTL डिवाइस, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल को डायरेक्ट OTG केबल से कनेक्ट करके काम नहीं कर सकते, बिटवीन हमको एक मिडल में हमको एक USB2 TTL मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ता है। ये मॉड्यूल 150 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाता है मार्केट में, तो आप लोकल मार्केट में मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसमें बहुत सारा मॉडल्स आता है। और
नेक्स्ट हमको चाहिए SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इसमें क्या क्या पिन्स है, स्टेट पिन है, RX और TX कम्युनिकेशन के लिए, ग्राउंड पिन है, सप्लाई का पिन है VCC एंड ग्राउंड सप्लाई के लिए, और की एनेबल, इसको कॉन्फिगर करने के लिए हम एक की यूज़ करके हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। ये स्टेट का पिन आपका LED, इसमें एक LED आता है, उसका उसका स्टेटस आप इसमें ले सकते हैं। और हमको पहले क्या करना होता है, हमारा जो SC05 DTL डिवाइस के साथ कनेक्शन करना पड़ता है। कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने ग्राउंड का वायर, ग्राउंड को SC05 का ब्लूटूथ मॉड्यूल का SC05 में TTL डिवाइस का ग्राउंड से कनेक्ट किया हूँ। ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्ट करना होता है, और SC05 का VCC और हमारा जो TTL डिवाइस का VCC एक साथ, सॉरी एक साथ कनेक्ट किया हूँ 5 वोल्ट में। और नेक्स्ट जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल का SC05 का RX का पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है TTL डिवाइस का TX का पॉइंट में, और SC05 का TX का पॉइंट को हमने RX में कनेक्ट किया, RX का पॉइंट में TX में कनेक्ट किया, उल्टा कनेक्शन करना होता है आपको। सो कनेक्ट करके आपको क्या करना होता है, जो एक बटन रखा हूँ आप पुराने इमेज में देख सकते हैं, ये बटन आपको दबा के सप्लाई देना पड़ता है। तो सप्लाई देने के बाद इसको छोड़ देना होता है। इसको छोड़ने से क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाता है, मतलब इसका जो LED इंडिकेशन है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये आपने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये बटन प्रेस करके सप्लाई दिया, इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका कनेक्शन आप फिर से देख सकते हैं। और एक डायग्राम दिया हूँ, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें भी सेम कनेक्शन है, आप बिना बटन प्रेस करके भी काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, एनेबल पिन को आपको हाई करना होता है। इसके लिए मैं 5 वोल्ट से एनेबल पिन को कनेक्ट किया। इसमें क्या होता है, ऐसा भी कनेक्ट करके आप डायरेक्ट कॉन्फिगर कर सकते हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता है, डायरेक्ट आपको विदाउट बटन प्रेस करके इसमें काम कर सकते हैं। या तो आप इसको बिना इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में, पिछले इमेज में बताया था, जस्ट बटन प्रेस करके आप सप्लाई दीजिए और बटन को छोड़ दीजिए, आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाता है। अगर आपको बटन प्रेस नहीं करना है, इसको कनेक्ट करके आप भी काम कर सकते हैं। दो मेथड है, आप कौन सा भी आप चूज करके काम कर सकते हैं। और इसलिए मैंने हमारा जो OTG केबल है उसको कनेक्ट किया इसका साथ, USB2 TTL डिवाइस है ये, और ये जो डिवाइस है हमारा SC05 नया वाला, इसको मैंने 4 वायर से कनेक्ट किया, सप्लाई टू सप्लाई, ग्राउंड टू ग्राउंड, TS को RX में, RX को TX में कनेक्ट किया। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। ब्लूटूथ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको कमांड्स चाहिए। ये जो SC05 ऑपरेट होता है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, AT कमांड्स का द्वारा एक काम ये वर्क करता है। AT का मतलब है अटेंशन कमांड्स। तो AT कमांड्स क्या होता है, हमको AT कमांड्स देके इसका जो डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद हमको क्या करना होता है, बटन सेट करके हमको AT करके लिखना होता है। AT करके लिखने से हमको क्या होता है, ओके रिप्लाई आ जाता है, मतलब इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, मॉड्यूल ठीक है करके। तो AT प्लस नेम क्वेश्चन मार्क दिया तो क्या आता है, आपका जो डिवाइस में नाम है उसका इंफॉर्मेशन आ जाता है, और नेक्स्ट AT प्लस UART, उसके UART होने के बाद क्वेश्चन मार्क दिया तो आपका जो डिवाइस है, सॉरी डिवाइस का बर्थ डेट दिखाता है, मैंने इधर गलत लिख दिया डिवाइस नेम करके, तो डिवाइस का बर्थ डेट दिखेगा, और AT प्लस पासवर्ड लिखने से आपको डिवाइस का पासवर्ड दिखेगा। तो इसके लिए
ए टी नेम सेट करने के लिए आपको ए टी प्लस नेम इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल के लिए, मेरा एग्जाम्पल के लिए जस्ट जे टेस्ट जी के सी करके मैंने नाम दिया था, तो ऐसा ही सेट हो जाता है। अगर आपको बर्थ डेट चेंज करना है, ए टी प्लस यू आट इक्वल टू 11,52,00, हमारा जो मदरबोर्ड का डिफॉल्ट बर्थ डेट होता है उसमें सेट करने के लिए ए टी प्लस यू आट इक्वल टू 11,52,00 ऐसा लिखना है, और जीरो और जीरो लिखना है। ये जो है क्लॉक और पैरिटी बिट है, ये दोनों जीरो सेट करना है। तो इसके बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो ए टी प्लस पी एस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 1234, या तो कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको मोबाइल पे प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है। तो इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको सीरियल टर्मिनल का इस्तेमाल करना होता है। सीरियल टर्मिनल आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है, सीरियल टर्मिनल करके आपको लिखना है। तो सीरियल पोर्ट, सीरियल टर्मिनल का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना होता है। तो हम इंस्टॉल करेंगे, तो मैं इसमें इंस्टॉल तो कर दिया। ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि मैं एक्चुअली टेलीग्राम पे ट्रेनिंग करने के वक्त मैंने इसको बनाया था। तो इसमें मैंने एप्लीकेशन अपने ओपन करने से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे पहले इसमें बर्थ रेट सेट करना होता है, और बर्थ रेट हमने सेट करेंगे। सेट करके मैं कनेक्शन आपको दिखाता हूँ कैसे एटी कमांड्स ये सब देना है करके। हमने एप्लीकेशन तो ओपन कर दिया, और मैं अभी मेरा जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करता हूँ ओटीजी के द्वारा। टीटीएल टू यूएसबी डिवाइस है, और उसको मैं SC05 पे कनेक्ट किया, और ओटीजी के द्वारा मैं मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से ये पूछ रहा है हमको कौन सा एप्लीकेशन चूज करना है। मैं यूएसबी सीरियल यूएसबी टर्मिनल को सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद ये डिवाइस से कनेक्टेड दिख रहा है। हम सबसे पहले इसका जो बर्ड रेट है उसको सेट करना होता है, हम उसको भी सेट करेंगे। सेट करने के लिए आपको ये जो तीन मार्क है दिख रहा है उसको क्लिक करना होता है। करने से सेटिंग में जाना है और बॉड रेट में सेलेक्ट करना होता है। बॉड रेट को सेलेक्ट करके हमको जो इसका जो बॉड रेट है 38400 में सेट करना होता है। इसको सेट करने से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसका जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। मैंने ए टी करके लिखा हूँ, तो ए टी कमांड दिखने से क्या होता है, एक ओके करके आया तो ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ करके हमको समझना चाहिए। और नेक्स्ट जो हम कमांड देंगे, इसका जो नाम ए टी प्लस नेम दैट इज इक्वल टू, हमारा जो कोई भी नाम इसमें डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं हमारा जो टेस्ट जस्ट टेस्ट जी के सी करके मैं लिखता हूँ, इधर लिख के मैं सेंड करता हूँ तो ओके आ जाता है। इसका मतलब है ये डिवाइस अभी टेस्ट जी के सी नाम पे सेट हुआ है। पहले इसको अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो इसका नाम आता है SC05। अभी मैंने जो इसका नाम सेट किया टेस्ट जी के सी करके, इसके बाद हमको इसका जो ब्लूटूथ का मॉडल का नाम आता है टेस्ट जीकेसी, और हम नेक्स्ट सेट करेंगे इसका जो बॉड रेट है उसको सेट करेंगे। सो यू आट 80 प्लस यू आट, इसका फर्स्ट पहले यू आट चेक करेंगे, एक मिनट। सो इसका जो डिफॉल्ट बॉड रेट है 9600 में सेट है, तो इसको हम चेंज करेंगे।
इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए मैंने लास्ट इमेज में दिखाया था AT+UART दैट इज इक्वल टू 11,520, सॉरी 11,520 लिखना है, और पैरिटी ए सब जीरो सेट करना है और एंटर दबाना है, 11,520,000, ऐसा ही लिखना है। अगर आप इसमें कोई भी गलती किया तो ये काम नहीं करेगा, आपको ओके लिख के आना चाहिए। अगर ओके लिख के आया तो आपको रेस्पॉन्स ओके मिला करके, तो इसका मतलब है आपका जो बर्ड रेट है वो 11,520 में सेट हुआ है। इसको टेस्ट, तो फिर से टेस्ट करने के लिए कौन सा बर्ड रेट में है करके, तो AT+UART क्वेश्चन मार्क लिखने से हमको इधर देख सकते हैं आप, 11,520 रिप्लाई आया, इसका मतलब है ये 11,520 में सेट हुआ है। तो हम नेक्स्ट इसका जो पासवर्ड है वो भी चेंज करेंगे। तो मैंने इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो 1234 है, तो मैं ऐसा ही रखता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अभी बताया ये 3 स्टेप आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो बर्थ रेट है वो चेंज करना जरूरी 100% है, बाकी जो नाम है आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं और पासवर्ड भी ऐसा ही छोड़ सकते हैं, बट आपका बोर्ड में आपको ब्लूटूथ को कॉन्फिगर करने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, AT+UART दैट इज इक्वल टू 11,520। तो हमने ब्लूटूथ को कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया, तो मैं हमारा GKC टर्मिनल अभी ओपन करता हूँ, उसको ऑफ करके मैंने ऑन किया, तो डिस्कनेक्ट तो करके मैं फिर से ऑन किया ब्लूटूथ को। अभी मैं ब्लूटूथ को मोबाइल पे वायरलेस से कम्युनिकेशन करता हूँ। इसके लिए मैं ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करता हूँ, ये अगर अगर ब्लूटूथ ऑफ है तो ब्लूटूथ इस डिजेबल करके आ जाएगा, तो हमको ब्लूटूथ सेटिंग तो ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन किया, अगर इधर देख सकते हैं तो अवेलेबल डिवाइस टेस्ट GKC करके आ रहा है, इसका मतलब है हमारा नाम तो सेट हो गया, हमारा ब्लूटूथ रेडी टू पेयर करके आ रहा है। इसको सेलेक्ट करके हमको पेयरिंग करना होता है, इसमें कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड डालना होता है, मैंने इसका पासवर्ड है वो लगाता हूँ, सॉरी मैंने फाइल लगाया, इसमें कनेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए मैं फिर से लगाता हूँ 1234, इसका जो पासवर्ड है वो सेट करता हूँ। तो सेलेक्ट किया मैंने पासवर्ड, तो बन लगाया तो कनेक्टेड हो हुआ है, मतलब इधर कनेक्टेड नहीं करके, मतलब इसको कनेक्ट करने से आपको सेव्ड करके आता है, इसको कनेक्टेड करके नहीं आएगा, क्योंकि ये आप डिवाइस से आपका जो एप्लीकेशन को द्वारा इसको ओपन करने से ही ये कनेक्टेड होता है, जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ऐसा ही सेव्ड करके लिखेगा। तो हम अभी हमारा जो एप्लीकेशन है GKC टर्मिनल उसको ओपन करके इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इधर हमारा जो GKC टर्मिनल पे इसका ब्लूटूथ डिवाइस को सेलेक्ट किया और एमस्टार को सेलेक्ट किया इसमें, और सबसे पहले आपको सब लोग यही गलती करते हैं, डायरेक्ट कंसोल बटन दबाते हैं या तो देखते रहता है, इसमें आप बिना कनेक्ट करके काम नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट करने से आपका ये कलर चेंज होता है, तो आपको सबसे पहले इधर जाके इसको कनेक्ट करना होता है। तो ये हम अभी पहले इसको कनेक्ट करेंगे, इसको टच करके आप देख सकते हैं तो इसका कलर चेंज हो गया है और कनेक्टिंग करके आया, कनेक्टेड आया, इसका मतलब है ये हमारा GKC टर्मिनल से ब्लूटूथ टर्मिनल ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्टेड हुआ है। सो आज का वीडियो में इतना मैंने मोबाइल पे आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से बताया, ये वीडियो बहुत लंबी हुआ है, आप लोग वीडियो बिना स्किप करके देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा, अंडरस्टैंड होता है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और GKC टर्मिनल के की के लिए मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर भी आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आ जाता है, और इसमें और भी मैंने अपडेट किया हूँ, कंसोल 5 और 6 बटन इसमें ऐड किया हूँ, और इसमें जो भी प्रॉब्लम था उसको मैंने रेडी करके आप लोगों को अपडेट दिया हूँ। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, और अगर आपको PC में SC05 को कॉन्फ़िगर करना है तो हमारा
यूट्यूब चैनल में आप वीडियो अपलोडेड है उसको भी देख सकते हैं, देख के आप काम कर सकते हैं। अगर लैपटॉप है आपका पास, पीसी है, उसमें आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं SC05 को, उधर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर किसी का पास लैपटॉप और पीसी नहीं है, उन लोग इसमें इस मोबाइल का जो मैंने जो बताया तरीका, उसको यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।